बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको पार्ट 3 रहीम दास के दोहे पढ़ाए थे और यहाँ तक पढ़ाया था, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तहु न छाड़त छो। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जब मछुआरा पानी में जाल डालता है तो मछली के प्रेम को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन इतने पर भी मछली पानी के प्रेम को नहीं छोड़ पाती है। उसको जब पानी से निकाला जाता है तो वह मर जाती है। इसी प्रकार से आपका सच्चा मित्र होता है। आज हम आपको उसके आगे का पढ़ाने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दीनन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। बच्चों, हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं कि पूरे पाठ का संदर्भ एक ही होता है। पहले आप संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या, तब काव्यगत विशेषताएं। इसका प्रसंग है, हमें दीन व्यक्तियों को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। दीनन मतलब दीन, सबो को मतलब सभी को, लखत मतलब देखना। दीन व्यक्ति सभी को कृपा करने की दृष्टि से देखता है, लेकिन उसे कोई भी उपकार करने की दृष्टि से नहीं देखता है। जो उपकार करने की दृष्टि से देखता है वह दीन बंधु के समान होता है। दीन व्यक्ति सभी को कृपा करने की दृष्टि से देखता है, लेकिन उपकार करने की दृष्टि से उसे कोई नहीं देखता है। रहीमदास जी कहते हैं, जो दीन व्यक्ति को उपकार करने की दृष्टि से देखता है वह दीन बंधु के समान होता है। बच्चों, इसमें काव्यगत विशेषता लिखोगे, पहले पॉइंट में लिखोगे, सभी का कल्याण करने की दृष्टि से देखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, छंद दोहा है, प्रसाद गुण है। प्रीतम छवि नैनी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लाकी पथिक फिर जाए, पथिक आप फिर जाए। यहाँ पर प्रसंग है कि अगर हमें ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो हमारा अन्य प्रेम स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रीतम मतलब ईश्वर रूपी प्रीतम, छवि मतलब सुंदरता, सराय मतलब धर्मशाला, लाखी मतलब देखना, पथिक मतलब राहगिरी। रहीमदास जी कहते हैं, ईश्वर रूपी प्रीतम की सुंदरता मेरे नेत्रों में बस गई है, और किसी की सुंदरता बसाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, और किसी की सुंदरता बसाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। जिस प्रकार से भरी हुई धर्मशाला को देखकर यात्री स्वतः वापस लौट जाते हैं, बच्चों काव्यगत विशेषता में लिखोगे कि अगर हमें ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाए तो हमारा अन्य प्रेम स्वतः समाप्त हो जाता है।
रहिमन धागा प्रेम का मत त्योरव चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। इसका प्रसंग है हमें प्रेम संबंधों को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाने पर जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है, इसी प्रकार से हमारे प्रेम संबंध होते हैं। अगर एक बार कोई बात हो जाती है तो हमारे हृदय में दरार अवश्य पड़ जाती है, इसलिए प्रेम संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। कागज विशेषता में बच्चों लिखोगे धागे के माध्यम से प्रेम संबंधों को स्पष्ट किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, प्रसाद गुण है, छंद दोहा है, शांत रस है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठे तैसो फल दीन। यहां पर मनुष्य की संगति के बारे में बताया गया है। यह आपका प्रसंग है। कदली मतलब केला, भुजंग मतलब सर्प, सीप मतलब मोती। रहीमदास जी कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंदें एक होती हैं, लेकिन गुण उसके तीन होते हैं। जब वह केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, जब सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और जब सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाता है। जिसकी जैसी संगति होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कागज विशेषता में बच्चों लिखोगे पहले पॉइंट में स्वाति नक्षत्र की बूंद के माध्यम से मनुष्य की संगति के बारे में बताया गया है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, ब्रज भाषा है, छंद दोहा है, प्रसाद गुण है। बच्चों अब आगे का देखिए, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिया न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचय सुजान। बच्चों हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं जो पहले का संदर्भ होता है, पहले दोहे का या पद्य का जो संदर्भ होता है वह पूरे पाठ का होता है। अब 11वां हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका प्रसंग है परोपकार की महिमा का वर्णन किया गया है। तरवर मतलब वृक्ष, खात मतलब खाना, सरवर मतलब तालाब, पियहि मतलब पीना, हित मतलब कल्याण, संपत्ति मतलब धन, संचय मतलब एकत्र करना, सुजान मतलब सज्जन। रहीमदास जी कहते हैं वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, उसके फल का दूसरे लोग ही सेवन करते हैं। तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, दूसरे लोग ही इसका सेवन करते हैं। इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं अपने धन को जो एकत्र करते हैं वह दूसरों के कल्याण के लिए होता है। कागज विशेषता में बच्चों लिखोगे प्रकृति के दो उपादान वृक्ष और तालाब के माध्यम से परोपकार की महिमा का वर्णन किया गया है।
प्रसाद गुण है, छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, दिखाई दे रहा है। शांत रस है। रहिमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। बच्चों इसका प्रसंग है, छोटे व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी वो भी हमारे काम आ सकते हैं। देख मतलब देखना, बड़े मतलब बड़े, लघु मतलब छोटे। रहीम दास जी कहते हैं, बड़े व्यक्तियों को देखकर छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सुई देखने में बहुत छोटी चीज है और तलवार बहुत बड़ा होता है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। इसी प्रकार से कभी छोटे व्यक्ति भी हमारे काम आ सकते हैं, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कारगर विशेषता में बच्चों लिखोगे, सुई और तलवार के माध्यम से छोटे और बड़े व्यक्तियों के महत्व के बारे में बताया गया है। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। प्रसाद गुण है, छंद दोहा है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़री अखियां निराकी आखिन को सुख होत। इसका प्रसंग है बच्चों, परिवार की वृद्धि को देखकर अत्यंत सुख का अनुभव होता है। निज मतलब अपना, गोत मतलब गोत, निरख मतलब देखना, आखिन मतलब आंख। रहीम दास जी कहते हैं, अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर अत्यंत सुख का अनुभव होता है। जिस प्रकार से अपनी बड़ी आंखों को देखकर अपनी ही आंखों को सुख प्राप्त होता है। कारगर विशेषता में लिखोगे, अपने लोगों की, अपने वंश की वृद्धि को देखकर अत्यंत सुख का अनुभव होता है। छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, शांत रस है। रहिमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीति, काटे चट्टे स्वान के दव भात विपरीत। इसका प्रसंग है बच्चों, नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और द्वेष दुश्मनी दोनों ही घातक होता है, घातक सिद्ध होता है। ओछे मतलब नीच और नीच मतलब दुष्ट, नरन मतलब मनुष्य, तजो मतलब त्यागना, बैर मतलब दुश्मनी, अरु मतलब और, प्रीति मतलब प्रेम, स्वान मतलब कुत्ता, दहु मतलब दोनों। रहीम दास जी कहते हैं, दुष्ट व्यक्तियों से किया गया प्रेम और दुश्मनी दोनों ही घातक होती है, इसलिए उनसे प्रेम और दुश्मनी त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से कुत्ता कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही घातक होता है, दोनों ही दुख पहुंचाता है, कुत्ते के काटने से व्यक्ति मर जाता है और चाटने से अपवित्र माना जाता है।
कारगर विशेषता में लिखोगे, दुष्ट व्यक्तियों की तुलना कुत्ते से की गई है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, छंद दोहा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है।